सो फाइनली दोस्तों, आपको नेक्स्ट ईयर रियलमी की तरफ से जनवरी मंथ में रियलमी 8 सीरीज़ देखने को मिलने वाला है इंडिया में, और इस चीज़ को कंफर्म करे हैं मुकुल शर्मा ने, जो कि बहुत ही बड़े लिक्स्टर हैं, और ये बताए हैं कि रियलमी 8 और रियलमी 8 प्रो आपको जनवरी के मंथ में देखने को मिलेगा। तो इस बार आपको रियलमी 8 सीरीज़ में काफ़ी अच्छे स्पेक्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ एंड तक। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रियलमी 8 प्रो स्मार्टफोन के बारे में। देखते हैं किस टाइप की स्पेसिफिकेशन होगी, किस प्राइस पॉइंट पे आपको इंडिया में देखने को मिलेगा, और कौन कौन सी नई लीक्स और रूमर्स आए हैं, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। तो इस एपिसोड का नाम है क्या बात है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। दोस्तों बताया ऐसा जा रहा है कि आपको यहाँ पास मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000 प्लस का चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि एक 5G कनेक्टिविटी के साथ में आएगा। तो ये कितनी सही बात है और कितनी गलत बात है ये तो मुझको पता नहीं, बट इनिशियल लीक्स के अकॉर्डिंग ऐसा बताया जा रहा है कि आपको यहाँ पास मीडियाटेक डायमेंसिटी का चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि 5G कनेक्टिविटी के साथ में आएगा। तो अगर दोस्तों ऐसा होता है तो काफ़ी अच्छा ये स्मार्टफोन होने वाला है इस बार। आपको 5G कनेक्टिविटी के साथ में इतना अच्छा प्रोसेसर देखने को मिलेगा, तो मे बी शायद आपको यहाँ पास डायमेंसिटी 700 सीरीज का प्रोसेसर मिले, नहीं तो 800 सीरीज का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पास ये कंफर्म हो जाता है कि आपको यहाँ पास मीडियाटेक डायमेंसिटी का चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि बजट प्राइस सेगमेंट में आपको 5G कनेक्टिविटी का सपोर्ट देगा। तो प्रोसेसर को लेकर अभी कोई भी डाउट नहीं होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसके बैटरी के बारे में। दोस्तों जैसे आपको रियलमी 7 प्रो में 4500 mAh की बैटरी देखने को मिली थी, वैसे ही आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, जहां पर आपको 65 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगा। तो आइए बात करते हैं कैमरा के बारे में। दोस्तों कैमरा आपको इस बार काफी अच्छे देखने को मिलने वाले हैं। मे बी ऐसा बताया जा रहा है कि इसका प्राइमरी सेंसर 108 मेगापिक्सल का होगा। तो आप लोग इतना सपने में मत रहिए, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन रियलमी वाले कुछ भी कर सकते हैं, आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं मिला तो आपको यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि आपको रियलमी 7 प्रो में देखने को मिला था। तो ऐसा बताया जा रहा है कि रूमर्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिल सकता है, और ये चीज तो कन्फर्म है कि आपको यहाँ पर क्वाड ही कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा। और वहीं पर फ्रंट साइड में आपको 6.5 इंचेस या 6.4 इंचेस का फुल HD प्लस एक सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिलेगा, जहां पर आपको 90Hz या 60Hz का रेफ्रेश रेट देखने को मिल सकता है, जैसे कि आपको Realme 7 Pro में देखने को मिला था। तो यही सब जो मैं आपको स्पेक्स बताया, तो कोई ज्यादा बड़ा मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिला है। वही थोड़ा बहुत आपको वो 4G था Realme 7 Pro, बस आपको ये Realme 8 Pro 5G देखने को मिल रहा है, बस और कुछ नहीं। लेकिन भाई लोग, आप लोग सोच रहे होगे कि 5G क्यों दे रहा है इतने कम प्राइस सेगमेंट में। तो मैं आपको बता दूं कि अभी Jio नेक्स्ट ईयर मतलब जनवरी या फरवरी में आपको 5G उपलब्ध करवाने वाला है इंडिया में, मतलब 5G कनेक्टिविटी आ जाएगी इंडिया में। इसीलिए Realme ये कोशिश कर रहे हैं कि Realme अपना बजट प्राइस सेगमेंट में 5G वाला डिवाइस लॉन्च कर पाए इंडिया में, बस इसीलिए स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है जनवरी के मंथ में। तो देखते हैं Realme 8 और Realme 8 Pro के रिगार्डिंग आगे कोई इन्फॉर्मेशन निकल के आती है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एक एक अपडेट आपको मिलती रहती है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा लीजिएगा, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। लेकिन लाइक करना मत भूलिएगा इस वीडियो को। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।